अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मस्जिद एम्पलीफायर में बेस और ट्रबल के कनेक्शन करेंगे और डायग्राम में भी बताएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर ये नेगेटिव की तार है, ये सबस कलर में और तमाम माइक जैकों के साथ भी एक ही कनेक्शन है और वॉल्यूम्स के साथ भी वही है। और ये यहाँ पर लास्ट में बेस और ये टोन के साथ भी यही कनेक्शन किया गया है नेगेटिव का। और यहाँ पर कनेक्शन का तरीकाकार ये है कि ये टोन के साथ इसके उल्टे हाथ पे कनेक्शन किया गया है और दरमियान से इस कैपेसिटर से पिन का कनेक्शन और इसकी सीधे हाथ पे ये आउटपुट के लिए कनेक्शन इस्तेमाल किया गया है। और कैपेसिटर 473 के और T2E का क्या मकसद है ये इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। और ये बेस के ऊपर 104 पिको और पिको को भी इसकी सेंटर पिन और एक साइड से ये ब्लैक तार को कनेक्शन दिया गया है। और ये सायरन के ऑन ऑफ के लिए यहाँ पर ये बटन से सिर्फ इसकी ऑडियो को ऑन और ऑफ किया गया है। और सायरन के किट को जब भी एम्प ऑन होता है तो उस वक़्त इसको 12 वोल्ट मसलसल मिले रहते हैं और ये सायरन ऑन ऑफ होता ही रहता है। और ये ऑडियो भी इसी तार के ज़रिए, इस ब्लैक तार के ज़रिए इस किट में ये इस जगह पर इनपुट की गई है। और ये यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी वही कैपेसिटर 473 के का इस्तेमाल किया गया है। और इसी से ऑडियो को फीडबैक सेक्शन में इनपुट किया गया है। और ये कैपेसिटर है फीडबैक का है, यहाँ पर ये इको प्री है, इसमें इस ब्लैक तार में ऑडियो इन की गई है और ऑरेंज रंग की तार से ऑडियो को आउटपुट दिया गया है। और उसको इस सर्किट में इस तरह से कनेक्शन किया गया है कि ये ब्लैक तार ये माइक्रोफोन की मास्टर प्री की आउटपुट से, यहाँ से ऑडियो आउटपुट ली गई है। और ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं मास्टर प्री का, यहाँ से इस कैपेसिटर से आउटपुट ली गई है और इसको इको प्री में ले जाया गया है। और वहाँ से ऑडियो को मिक्स करके फिर वापस लाकर इस ऑरेंज कलर की तार से फीडबैक सेक्शन को करंट ऑडियो दे दी गई है। यहाँ पर ये पीसीबी को काटा गया है, अगर ये इको प्री ना होती तो यहाँ पर इस पीसीबी को नहीं काटा जाना था। ये आप देख सकते हैं, ये पीसीबी का ट्रैक तोड़ा गया है और ऑडियो को फीडबैक सेक्शन में इनपुट किया गया है। तो बेस टोन से सिर्फ नेगेटिव को इन कैपेसिटरों के ज़रिए हाई और लो किया गया है और उस वजह से आवाज़ का मोटा और पतला बारीक होना वहाँ पर किया गया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह ये फीडबैक सेक्शन की वीडियो बनाएंगे और अपलोड वही की जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह कपलिंग ट्रांसफार्मर के बारे में और इसको क्यों 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, अब हम यहाँ पर ये डायग्राम के ज़रिए बताते हैं। ये बेस के वॉल्यूम को एक साइड पर नेगेटिव और ट्रिपल के वॉल्यूम को दूसरी साइड से नेगेटिव दी गई है, जबकि बेस के ऊपर 104 पिको और ट्रिपल पर 473 के का कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। और आउटपुट भी 473 के से ही फीडबैक सेक्शन को इनपुट दी गई है। और यहाँ पर इसके साथ ही ये ऑडियो इनपुट की गई है इसकी सायरन की, तो ये सायरन की ऑडियो यहाँ पर इनपुट की गई है। अगर आप इधर आउटपुट फीडबैक वाली सेक्शन पे लगाना चाहते हैं तो फिर आपको एक और कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर कैप्चर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल फेसबुक पर वह स्टेबलाइजर के ऊपर आपको यहाँ पर इसकी ये फोटो मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि व असहाबी व बारिक वसल्लम।